यूट्यूब चैनल फ्यूचर हंड वेबटेक। गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हम करते हैं हमारा डाटा कैसे फेच होगा। मतलब लास्ट जो 3 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल में लिस्ट व्यू कैसे बनता है, और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाटा जेसन में कैसे आता है। ठीक है, यानी मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए थे, तो आज हम इसको प्रॉपरली करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे एंड्रॉयड में। ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, इसलिए हमने जाना है हमारे एरे अडाप्टर में। ठीक है, माई अडाप्टर जो हमने क्लास बनाई थी, इसमें हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ आपने गेट ऑन व्यू, गेट व्यू ये लेना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइड मेथड बन के आ जाएगा आपके पास। आपने क्या करना है, यहाँ हम करेंगे एक व्यू बनाएंगे, व्यू, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू, हम यहाँ लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर, क्योंकि हमको जो डाटा चाहिए वो लेआउट में, मतलब जो जो हमारा लेआउट होगा उसमें चाहिए। लेआउट इन्फ्लेटर दिस वन, सॉरी लेआउट इन्फ्लेटर इस डॉट फ्रॉम के अंदर हमारा जो आएगा पेरेंट पास करवाना है हमने, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ही कॉमा इन्फ्लेटर के अंदर आर डॉट लेआउट डॉट हमारी जो लिस्ट है वो, उसके बाद हमने इसको करना है नल, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं दिया, तो इसके लिए नल आएगा। इसके बाद ट्रू एंड सेमी कॉलन, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको अब चाहिए 2 आईडीज, मतलब जो जो हमने एक आईडी फेच करवानी है और एक नेम फेच करवाना है, क्योंकि हमारे पास दोनों टेक्स्ट व्यू हैं। तो इसके लिए मैं हम टेक्स्ट व्यू ही ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, और इसकी आईडी हम कोई भी सेट कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ टीवी आईडी, आप कोई भी कर लें। उसके बाद व्यू फाइंड व्यू, सॉरी व्यू डॉट फाइंड व्यू वाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट आईडी एंड सेमी कॉलन। उसके बाद सेकंड टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, इसकी आईडी कोई भी रख लो, मैं रख लेता हूँ टीवी नेम रख लिया मैंने, इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू वाई आईडी आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, वो चीज़ें हमने और जनरेट करनी है, मतलब उसमें हमने एरे अडाप्टर की लिस्ट पास करवानी है। तो चलिए हम इसको कॉल कर लेते हैं, हमने जो ये आईडी बनाई है टीवी आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर एरे लिस्ट हमारी जो ये है, हमने ये बनाई थी क्योंकि हमने जो हमारा एरे अडाप्टर है वो उसी में हमारा डाटा आएगा ना। उसके बाद डॉट गेट अंदर पोजीशन, उसको किसके अंदर, लिस्ट के अंदर सेट करना है, फिर डॉट गेट आईडी, इसको सेम कॉपी करते हैं, पेस्ट गेट आईडी
गेट यूजर नेम, ये जो यूजर नेम आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है, और मतलब जो आईडी टैक्स होगा आपने जो भी लिया होगा, मेरा मेरा यूजर नेम है। इसके बाद अपने क्या करना है, हमारा जो रिटर्न सुपर इसको करना है यहाँ से कट, सिर्फ रिटर्न करवाना है हमने व्यू। तो हमारा जो माई अडाप्टर का काम है वो है ख़त्म। अब जाना है हमने हमारी इस एक्टिविटी में। यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक लिस्ट व्यू बनाते हैं, व्यू इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिस्ट व्यू ले लिया, और बनाना है माई अडाप्टर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अडाप्टर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एम्प्लॉय क्लास को भी इसका ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं, एम्प्लॉय, और इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं एक एरे लिस्ट को अडाप्टर में कॉल करते हैं हम, स्टैटिक एरे एरे लिस्ट, इसके अंदर एम्प्लॉय क्लास दिस वन एंड एरे अडेप्टर लिस्ट, एरे अडेप्टर लिस्ट दिस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ गड़बड़ हो रही, एरे अडाप्टर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे, न्यू एरे लिस्ट एंड सेमी कोलन। न्यू एरे लिस्ट करना है, अब एक बनाते हैं हम यहाँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यू आर एल, इसमें जो हमने यू आर एल पास करवाना है वो है हमारा, अब हमको जाना होगा वापस हमारी होस्टिंग में सी पैनल में, यहाँ से जो हमारा पेज होगा इसको क्या करना है, व्यू करना है आपने, ठीक है। इस वाले यू आर एल को करना है कॉपी एंड जाना है वापस हमारे एंड्रॉयड में पेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा, आप यहाँ से सीधा यू आर एल में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम बनाते हैं लिस्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट माई लिस्ट व्यू। ये जो माई लिस्ट व्यू है ये मेरी जो आईडी है ये वाली आईडी है माई लिस्ट व्यू, ठीक है, जो हमने लेआउट में ली थी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अडाप्टर को सेट करना है, अडाप्टर इक्वल टू न्यू माई अडाप्टर, माई अडाप्टर के अंदर इसी लेआउट पे इसको सेट करना है, दिस कॉमा एरे, सॉरी गाइस, दिस कॉमा एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, ओके एंड सेमी कोलन, यानी कि अडाप्टर के अंदर मैंने इसको कॉल किया और जो हमारी एरे अडाप्टर की क्लास थी इसको मैंने, ये जो एम आई अडाप्टर है ना, सॉरी ये वाली, इसको लिस्ट के अंदर मैंने ले लिया,
उसके बाद क्या करना है, मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, रिट्रीव डाटा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम करते हैं क्रिएट मेथड, ये फंक्शन इसके अंदर आ गया। अब करना है, हम बनाते हैं वही जो हमने इंसर्ट के टाइम हमने जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट वाली यूज़ की थी ना, वो यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट न्यू न्यू स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट कॉमा, पहले हम यहाँ करते थे यूआरएल को कॉपी करते थे, हम अभी यहाँ सीधा इस यूआरएल को या जो स्ट्रिंग में यूआरएल ली है उसको कॉपी करेंगे, उसको सीधा कॉल कर लेंगे यूआरएल। उसके बाद कॉमा न्यू न्यू के बाद रिस्पॉन्स लिसनर, ठीक है। सेम एरर वैसे ही आए थे ना, अब इस एरर को करना है रिमूव। मैं यहाँ सेमीकोलन डालता हूँ, कॉमा न्यू रिस्पॉन्स एरर लिसनर, तो ये मेरे एरर्स हैं वो सारी हट चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले अगर मतलब ये सही होगा तो चल मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो ये एरर हमको दे देगा, हम उस एरर को शो के लिए टोस्ट यूज़ करेंगे। अंदर एरर मैसेज एरर लगा देंगे, ये वाला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब करना है, यहाँ इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जो हमारा एरर होगा, यानी कि एरर गेट मेट मतलब एरर मैसेज का, इसके अंदर जो भी हमारा मैसेज होगा वो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ एरर गेट मैसेज यूज़ करेंगे, एरर डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है, अब क्या करना है इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट भी मतलब वॉली को जो क्यू होगी उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देते हैं। रिक्वेस्ट क्यू सेम वैसे ही है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसको। उसके बाद इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, अंदर क्या करना है, एग्जीक्यूट किया सॉरी सेमी कोलन। अब क्या करना है, रिक्वेस्ट क्यू क्यू डॉट एट अंदर रिक्वेस्ट। अब ये जो हमारा काम है मतलब इसका जो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना था वो फिनिश हो चुका है, अब इसमें चलते हैं, हम सारा काम है इसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिस्ट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी लिस्ट होगी उसको क्लियर कर देते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, इसको डॉट क्लियर। अब हम करेंगे यहाँ ट्राई कैच, ट्राई ट्राई एंड कैच, ठीक है। और उसके बाद पहले ट्राई को यूज कर लेते हैं, अंदर एक्सेप्शन ले लेते हैं, इसको भी अंदर हम जैसन यूज करेंगे,
डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज करेंगे हम। जेसन यूज करना है हमने ना, यहाँ यूज करेंगे जेसन कैपिटल। अब ये क्या कह रहा है, ट्राई, पहले ट्राई यूज करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले जेसन का ऑब्जेक्ट बनाना है। जेसन, सॉरी, जेसन ऑब्जेक्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इसको रिस्पॉन्स एंड सेमी कोलन। फिर यूज करना है स्ट्रिंग, अगर हमारे पास सक्सेस इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट, इसको करना है जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट यहाँ जो मैसेज आएगा वो मतलब जो हमने उधर यहाँ जो यूज़ किया था, मैं आपको बता देता हूँ। एडिट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये वाला हम वहाँ यूज़ करेंगे, हमने जो यूज़ किया है यहाँ वाला सक्सेस। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे जेसन एरे। जेसन एरे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको करना है जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट। जेसन डॉट गेट जेसन एरे, इसके अंदर जो हम यूज करेंगे डाटा, ये जो डाटा है वो हमारे पास आएगा जो हमने ये मल्टी डिमेंशन में यूज किया था ना, ये वाला डाटा, और उसको हमने वहाँ कॉल करना है, उसके बाद सेमी कॉलन। अब क्या करना है, अब हम चेक करेंगे इफ सक्सेस, इफ सक्सेस डॉट इक्वल, अगर ये इक्वल वन है तो हमारे पास डाटा फेच होकर आ जाएगा। उसके लिए हम फॉर चलाएंगे, मतलब डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फॉर लूप हम यूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं इंट, इंट आई इक्वल टू ज़ीरो सेमी कोलन आई लेस देन इक्वल टू एरे।
json array and dot length semicolon and I plus plus. Okay, मतलब डाटा जितना भी होगा वो मतलब एक एरे में आप अपने आप उसकी लिस्ट बन के शो हो जाएगी जैसन एरे में. और उसके बाद फिर जैसन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे. एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल टू जैसन एरे को, मतलब सीधा कॉल कर लेते हैं आई को. जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट इसके अंदर आई कॉल. अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे एक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में एक आई डी टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में हमने पास करवाना है ये आईडी. ये वाली आईडी जो होगी वो डाटाबेस में जो हमने कॉलम रखे हैं ना वो वाली आईडी. अब मैं इसको करता हूँ कॉपी. यहाँ आएगा यूजर नेम, यहाँ भी यूजर नेम, सेम वही रखना जो मतलब आपके वहाँ है. मेरे पास था ईमेल एंड यहाँ भी ईमेल. पासवर्ड एंड यहाँ भी पासवर्ड. उसके बाद क्या करना है, हमारा फाइनल जो लास्ट है हमने करना है इसको एग्जीक्यूट. जो हमारा अडेप्टर है मतलब क्लास है एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय अंदर जो हमारे कॉलम में आईडी हुआ, यूजर नेम हुआ, ईमेल हुआ एंड पासवर्ड हुआ. उसके बाद सेमी कॉलन देन एम्प्लॉय एरे लिस्ट डॉट एड इसके अंदर ये वाली जो क्लास है मतलब एम्प्लॉय ऊपर. उसके बाद फिर करना है कॉल, फिर अडाप्टर को सेट करना है. अडाप्टर डॉट शो हो जाए मतलब नोटिफाई सेट चेंज. जो लास्ट चीज़ है हम इसको कॉल भी कर देते हैं यहाँ अडाप्टर को. हमने यहाँ क्या करना है, लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू डॉट सेट अडाप्टर देन ये हमारा जो फाइनल ख़त्म हो चुका है. अब इसको हम रन करवा कर देखते हैं कि हमारा ये कैसे शो होगा. ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसको रन करवाते हैं हमारे इस ऐप को. मैंने रन करवा दिया ऐप. मतलब इस वीडियो में हमने प्रॉपरली कोडिंग की है कि डाटा स्ट्रिंग में कैसे लिया, अडाप्टर कैसे बनाया, ट्राई कैच कैसे यूज़ किया, मतलब शो. ये जो ट्राई कैच में एरर आ रहा था ना वो इसी की वजह से आ रहा था. हम ट्राई तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे तो इसके कारण. क्लियर नहीं दिख रहा ना, हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से. जब तक हमारा ऐप रन होगा तब तक हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं. ये वाइजर मैं यूज करता हूँ.
के अंदर सेव नहीं हुआ। अरे भाई हो जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? अब हुआ ना? हाँ अब क्लियर है। कितना टाइम बहुत लेता है गाइस ये रन होने में। वीडियो शॉर्ट लेंथी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को। हेलो गाइस, हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने ऐप को देखते हैं कि कैसे वो यूज़ हो रहा है, मतलब कैसे शो हो रहा है डाटा हमारा। हमारे ऐप का नाम है रजिस्टर डेमो। ये तो आउटपुट गलत आ रही है। आईडी में यूज़र नेम जा रहा है और यूज़र नेम खाली आ रहा है, मतलब कोई मिस्टेक है ना। मिस्टेक मिस्टेक, तो चलिए एरर को देखते हैं। हम जाते हैं इसमें, तो भाई ठीक है सारा। ईमेल, ओ मिस्टेक, सॉरी गाइस। यहाँ देखिए, हमने जो टैक्स व्यू लिए थे, आइया इसका नेम तो दे दिया, मतलब आईडी। अब ये जो नेम है ना, ये गलत आ रहा है नेम, इसको कहीं हमने डिफाइन नहीं किया। गेट आईडी टीवी, मतलब ये देखो यहाँ ना हमने नेम लेना था। दोबारा हम रन करवाते हैं। हो जा भाई। पहले होता नहीं था, अब दोबारा इसको रन करवाते हैं। तो भाई जल्दी हो जा। हो चुका है रन। तो ये है ऐप, शो पे क्लिक करते हैं। अब भी प्रॉब्लम है, मतलब यूजर नेम इसी में घुसी जा रहा है। गड़बड़ है कोई। यहाँ गड़बड़ है, सॉरी गाइस, ये हैंग हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ।
यूजर नेम ही आएगा ना। बाकी तो सारा ठीक है ना। इसमें कोई गड़बड़ आईडी यूजर नेम, यहाँ यूजर नेम ही है ना। इसको दोबारा रन करते हैं। गाइस देखिए, अब हमारा जो ऐप है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये है डेमो। यहाँ से देखो, ये हमारी जो है आईडी आ रही है, यहाँ यूज़र नेम आ रहा है। मतलब पूरा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अब इस डाटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से कुछ भी, मतलब ये मतलब एच यू सबमिट, ठीक है, यूज़र नेम शो करेगा। डाटा इंसर्टेड शो, लास्ट में जाते हैं। ये देखो लास्ट में हमारा डाटा फेच हो गया है। तो ये था गाइस, प्रॉपरली मैंने डाटा फेच करके दिखा दिया आपको। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इस वीडियो में, मतलब कुछ समझ ना आए, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।